तो वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और मुरैना शिवपुर के बीजेपी सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने शिवपुर जिले के वीरपुर तहसील के गोहर गांव का दौरा किया। यहां शहीद पुलिसकर्मी संतराम मीणा के निवास पर वो पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वीकृत 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक शहीद के परिजन को प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद संतराम के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा है कि वो स्वयं और मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ है। आपको बता दें कि गुना में शिकारियों के हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। एक हमारे क्षेत्र के भी श्रीनिवास रावत का बेटा था, उसकी भी डेथ हो गई। तो निश्चित रूप से मैं शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूं और आज इस शहीद परिवार को हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि प्रदान की है, वो भी चेक उनको दिया है। और एक परिवार के व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति भी होगी, उसकी कार्यवाही भी आगे की जाएगी। तो वहीं ओबीसी आरक्षण के मसले पर प्रदेश में सियासत चरम पर है। इसी बीच इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और पूर्व मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की संख्या 52% है, उस लिहाज से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग को उनका हक देते हुए 27% आरक्षण दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग से उनका हक छीना है। वर्तमान सरकार की रीति नीतियों के कारण ओबीसी वर्ग उनके हक से वंचित रह गया। सचिन यादव ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में ओबीसी वर्ग को पार्टी 27% आरक्षण देगी। अपनी सोच के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे बिना मांगे हमको 27% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र किया, एक धोखा किया, सरकार गिराने का काम किया और सरकार गिराने के बाद जो 27% आरक्षण हमको हमारा जो अधिकार था उस अधिकार को लेकर के गलत तथ्य और सही तरीके से पैरवी माननीय न्यायालय में नहीं प्रस्तुत की, उसी का परिणाम है कि आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो सभी के सामने है। छह निजी स्वार्थ है। जब चुनाव का समय आता पिछले, उसमें भी आप सब इसके गवाही हैं कि जब पिछले समय चुनाव का आया था तो डीजल पेट्रोल उसके दाम कम कर दिए थे और उसके बाद जैसे ख़त्म हो गया फिर से डेली उसका बढ़ते गया, डेली बढ़ता गया, आज तक बढ़ता रहा। अब फिर ये चुनाव का समय आया है, फिर से यहाँ कर रहे हैं कि माने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जा रहे हैं और इसके बाद फिर बढ़ेगा। तो इनकी फितरत में है, इनका इरादा जो है गरीबों को राहत देने का नहीं है। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंकी पॉक्स को लेकर कहा है कि मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट कर दिया गया है, सभी जगह सरकार की निगाहें हैं, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आगे भी नहीं होगी ऐसी उम्मीद है। सभी जगह पर सरकार निगाह रखे हुए है, सभी जगह ताकीद की हुई है मंकी पॉक्स को लेकर, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कोई स्थिति है नहीं और अभी कोई संभावना दिखती भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी हमने सभी प्रदेश के अंदर इसकी खबर भेज दी।